ए फिनिश ए वर्क इन 10 डेज, बी फिनिश द सेम वर्क इन 12 डेज एंड सी फिनिश द वर्क इन सेम वर्क इन 15 डेज. द वर्क वॉज स्टार्टेड बाय ऑल द 3 पर्सन्स टूगेदर. ये 3 पर्सन्स हैं आपके पास, ए बी एंड सी. तो द वर्क वॉज स्टार्टेड बाई ऑल द 3 पर्सन्स टूगेदर एंड आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क. आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क. इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी और सी ने आपका वर्क स्टार्ट किया था और 2 डेज बाद, आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क. यानी केवल आपका बी और सी ही यहाँ पर रह गए क्योंकि ए ने आपका वर्क को लेफ्ट कर दिया आफ्टर 2 डेज. एंड आफ्टर 2 मोर डेज बी लेफ्ट द वर्क एंड ए ज्वाइन द वर्क. ठीक है ना, आफ्टर 2 मोर डेज ए ज्वाइन द वर्क एंड बी लेफ्ट द वर्क. ठीक है ना, आफ्टर 2 मोर डेज बी लेफ्ट द वर्क एंड ए ज्वाइन द वर्क. ठीक है ना, ए ने आपका ज्वाइन कर लिया और बी ने आपका यहां पर वर्क को लेफ्ट कर लिया. ठीक है, आउट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल फिनिश्ड. तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर हम वर्क को एज्यूम करते हैं. तो वर्क मान लीजिए कितने यूनिट्स का है, तो हम 10, 12 और 15 का यहां पर एलसीएम लेते हैं. 10, 12 और 15 का हम एलसीएम लेते हैं, तो ये मान लीजिए आपका एलसीएम है ये आपका 60. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर ए की एफिशिएंसी हो जाएगा 60/10 यानी 6, बी की एफिशिएंसी हो जाएगा 60/12 4. तो ये ए और बी और सी की आपकी एफिशिएंसी हो जाएंगी. ठीक है ना, और हमें कैलकुलेट करना है कि कितने डेज में आपका ये वर्क फिनिश होगा. तो मान लेते हैं कि ये वर्क जो फिनिश हो रहा है ये आपका एन डेज में हो रहा है. ये जो वर्क आपका फिनिश हो रहा है ये एन डेज में हो रहा है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका सी है, जो सी है वो एन डेज तक आपका वर्क कर रहा है. जो सी ने वर्क किया है वो सी ने आपका एन डेज तक वर्क किया है. प्लस देखिए बी ए ने आपका वर्क को लेफ्ट कर दिया था यहां पर 2 डेज के बाद आपका ए ने वर्क को लेफ्ट कर दिया था एंड देन फिर से ए ने ज्वाइन कर लिया था. आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए ने जो आपका वर्क यहां पर किया है वो एन माइनस 2 डेज तक किया है. ए ने जो वर्क किया है वो एन माइनस 2 डेज तक किया है क्योंकि उसने ए ने आपका 2 डेज के लिए वर्क को लेफ्ट कर दिया था. तो ए ने आपका एन माइनस 2 डेज के लिए वर्क किया है. अब देखिए बी ने आपका कितना वर्क किया है, कितने डेज वर्क किया है. तो देखिए आपका बी ने आपका टोटल आपका 4 डेज तक वर्क किया है. ठीक है ना, क्योंकि बी ने आफ्टर 4 डेज वर्क को लेफ्ट कर दिया है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी ने जो यहाँ पर वर्क किया है वो 4 डेज किया है. तो एन डेज सी ने वर्क किया है और सी की एफिशिएंसी 4 है, तो टोटल वर्क जो यहाँ पर सी ने टोटल वर्क जो सी करेगा वो 4n हो जाएगा. तो 4n आपने 4n वर्क करेगा सी. ए कितना वर्क करेगा, तो देखिए n माइनस 2 डेज ए ने वर्क किया है और 1 डे में आपका ए वर्क करेगा 6 से. तो ये वर्क 6 × n − 2 वर्क हो जाएगा जो आपका ए करेगा. प्लस बी ने आपका वर्क किया है 4 डेज और बी की एफिशिएंसी है 5, तो × 5 इतना वर्क करेगा आपका बी. तो ये टोटल वर्क आपका होगा. ठीक है ना, और ये टोटल वर्क किसके इक्वल होगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा आपका 60 के इक्वल. आप यहां से n की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जाएगा 26/5 डेज. ठीक है ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं 26/5 डेज में आपका ये वर्क फिनिश हो जाएगा.